जी स्वामी जी बताएं, आज यहाँ पर साधु संत समाज इकट्ठा होगा, क्या विशेष है आज यहाँ पर जो आयोजित? आज मानगिर जी महाराज के पुण्यतिथि है, उनका भंडारा है, उसके लिए महात्मा लोग आए हैं भंडारा खाने। साधु की बावली कठुआ। मेरा नाम महंत राधेगिरी है, मैं यहाँ का नाम हूँ। बताएंगे कि इतिहास के बारे में बताएंगे, जो जिन्होंने जिनकी समाधि जो बनाई है, जहाँ पे आप पुण्यतिथि मना रहे हैं आप, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। आज 13 साल हो गया उनका शरीर पूरा हुए। यहाँ काफ़ी सालों उन्होंने तपस्या किया। पहले बाजार वाले मंदिर में आए थे, वो वहाँ 2-3 साल रहे, फिर यहाँ आए, यहाँ उन्होंने तप त्याग किया, धीरे धीरे यहाँ सब कुछ विकास हुआ। फिर उन्होंने फलहार रखा कई साल, फिर मौन व्रत रखा, बहुत तप त्याग किया उन्होंने। 12 साल उन्होंने संकल्प लिया यहाँ से कहीं जाना नहीं है, तो उनका जो है 2010 में उनका शरीर पूरा हुआ। समाधि हरिद्वार जो है गंगा जी में लगाई गई, और तब से उन यहाँ हम मैं संभाल रहा हूँ यहाँ मंत्राधिगिरी, तब से उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज ही के दिन उनकी समाधि लगाई गई थी 2010 में, तब से पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्या देखते हैं, कितना जरूरी है संत समाज का जागरूक होना, लोगों को जागरूक करना और देश की एकता और अखंडता के लिए? संत तो परमार्थ के लिए होते हैं, दुनिया के भलाई के लिए संत संन्यास जीवन में हम लोग आते हैं। संन्यास जीवन का मतलब ही होता है दूसरे का परमार्थ करना, समाज का भला करना। आज ये साधु समाज जो है कहाँ कहाँ से आए हैं? ये काफ़ी दूर दूर से आए हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, कटरा, यहाँ यहाँ से लोग आए हैं दूर दूर से, महात्मा लोग भंडारा के लिए। मानगिरी जी महाराज का पुण्यतिथि का भंडारा है। ओम नमो नारायण। ये कठुआ का प्राचीन स्थान है मानगिरी महाराज जी का, यहाँ पे बावली पे कठुआ के सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे ये श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है, यहाँ पे दिवस है, ये मानगिरी महाराज के पुण्यतिथि पे मनाया जा रहा है, सभी के सहयोग से मनाया जाता है। और ये एक अच्छा स्थान है, यहाँ से श्रद्धापूर्वक लोग सब कुछ मन्नत पूरी करते हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम का जो महात्मा जी ने आज आयोजन किया है, इसमें पूरे कठुआ वासी को हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। और साधु संत समाज आज देखे, जब साधु संत समाज सारा इकट्ठा हुआ तो स्वयं इंद्रदेव ने आज यहाँ पर वर्षा भी की और अपनी वर्षा से आशीर्वाद दिया। और हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखें, जब कभी भी कहीं पर वर्षा होती है तो उसका मतलब होता है कि देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। ये इन लोगों के पुण्य प्रताप और इस तपोभूमि की एक अहमियत है, जिसके कारण आज देखें यहाँ पर भगवान भी खुश हो गया है और कई लोगों के यहाँ पर कष्ट दूर होते हैं साधु संतों का आशीर्वाद पाने से। इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, और पूरे कठुआ वासियों से भी मेरी यही उनसे गुजारिश है कि आप सब लोग भी यहाँ पर आकर महात्मा जी का जो है आशीर्वाद पाएं। सभी को जय श्री राम, ओम नमो नारायण। देखिए, आपको पता है कि पिछले काफ़ी वर्षों से जहाँ पे हमारे जो महंत
श्री मानगिरी महाराज जी काफ़ी अरसों से यहाँ रहते थे और जहाँ पे रह के उन्होंने तपस्या भी की है, जो तपस्या का जो फला देश है आज हम लोग जो इसका जो पुण्य प्रताप है हम लोग ले रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से पूरे समाज को, जो जितना भी हमारा जो संत समाज है, जैसे हमारे यहाँ के महंत श्री राधेगिरी जी और इनके साथ लखनपुर के महंत हमारे श्री श्री एक है याराठ शांतिगिरी महाराज जी, यहाँ पे मरमेश गिरी जी और जितने भी जम्मू कश्मीर के जितना भी संत समाज है सबको इन्होंने न्योता दिया है और सारे संत समाज जो है जहाँ पे आज आया है। और यहाँ आने से आप देखो कि पिछले दो दिन से कितनी गर्मी थी, तो आज संतों का जहाँ पर आगमन हुआ है, काफ़ी संत जहाँ पे आए हैं, तो यहाँ आने से ये जो वर्षा हुई है, तो ये जो जितना भी जो पूरा ये कार्यक्रम है, जो जो कार्य करें जो हमारे कठुआ के नौजवान जो युवा पीढ़ी है, जैसे हमारे जितने भी जो भक्त हैं जहाँ पे तन मन धन से अपनी सेवा करें हैं, तो इसी के साथ मैं सबको जय श्री राम ओम।